अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस नीलम कोठारी भले ही फिल्मों से दूर हो गई हों, लेकिन उनकी खूबसूरती और मासूमियत के चर्चे आज भी हैं। नीलम कोठारी अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने अपने टाइम में सभी बड़े सितारों के साथ काम किया है, खासकर गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई। लेकिन आज हम आपको नीलम जी के बेटे से रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नीलम ने अपने करियर में लगभग 45 फिल्में की हैं, जिनमें से 10 के आसपास फिल्में गोविंदा के साथ की हैं। फैंस को गोविंदा और नीलम की जोड़ी काफी पसंद आई और इसी वजह से फिल्म मेकर्स भी दोनों को ही एक साथ साइन करना चाहते थे। गोविंदा और नीलम ने इल्जाम, खुदगर्ज, सिंदूर, घर में राम, गली में श्याम जैसी कई फिल्मों के साथ काम किया। इन फिल्मों में साथ काम करते करते ही नीलम और गोविंदा का प्यार परवान चढ़ा और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसी वजह से गोविंदा ने सुनीता से सगाई भी तोड़ दी थी। हालांकि अपनी मां के कहने पर गोविंदा ने सुनीता से साल 1987 में शादी कर ली। कहा जाता है कि नीलम कोठारी को काफी समय तक गोविंदा की शादी के बारे में पता नहीं था। हालांकि समय के साथ दोनों दूर हो गए। नीलम ने साल 2000 में बैंकॉक में ऋषि सेठिया से शादी की, जो यूके के व्यापारी के बेटे थे, लेकिन दोनों का रिश्ता चल नहीं पाया। इसके बाद नीलम कोठारी ने साल 2011 में अभिनेता समीर सोनी से शादी की। दोनों की एक बेटी है जिसे उन्होंने गोद लिया है। नीलम कोठारी को सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में लोग फॉलो करते हैं। नीलम की खूबसूरती इतने साल बाद भी पहले की तरह बरकरार है। नीलम कोठारी की बेटी काफी बड़ी हो गई हैं और लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि नीलम इतनी बड़ी बेटी की माँ है। बात करें वर्क फ्रंट की तो नीलम कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी है। हत्या, खुदगर्ज, लव 86, दो कैदी, सिंदूर, इल्जाम, घराना, फर्ज की जंग, बिल्लू बादशाह, ताकतवर एक्ट्रेस की कुछ पॉपुलर फिल्में हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।